बड़वानी की बेटी गरिमा उर्फ प्रियंका चतुर्वेदी की सुनियोजित तरीके से उनके पति के द्वारा उनकी हत्या कर दी थी खंडवा जिले के मांधाता क्षेत्र में। वहीं मांधाता थाने पे अभिषेक चतुर्वेदी पर प्रकरण भी दर्ज हो गया है। इस तारतम्य में आज बड़वानी गोड़ मालवीय ब्राह्मण समाज के सदस्यों ने गरिमा उर्फ प्रियंका चतुर्वेदी को श्रद्धांजलि दी। वहीं समाज के लोगों ने कल निर्णय लिया कि कल दिनांक 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे गोड़ मालवीय ब्राह्मण धर्मशाला में सभी समाजजन एकत्रित होकर बाइक रैली के माध्यम से सभी लोग SP कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचेंगे, जिसमें समाज की सभी वरिष्ठ जन, महिला मंडल साथ युवा इकाई भी शामिल होगी। वहीं गोड़ मालवीय ब्राह्मण समाज के श्री अरविंद शुक्ला जी ने बताया है कि समाज जन खंडवा जिले के मांधाता थाना प्रभारी श्री पाटीदार जी की कार्यशैली से खुश नहीं है। इस मर्डर केस में उनकी कार्यशैली संदेह के घेरे में है, इसीलिए SDOP को जांच सौंपी गई थी और साथ ही उन्होंने खंडवा SP से मांग की है कि मांधाता TI को तत्काल अपने प्रभाव से निलंबित किया जाए। अरविंद शुक्ला, किस पद पर समाज में? मैं समाज में बस एक कार्यकर्ता हूँ। क्या घटना हुई है, यहाँ आज क्यों बैठे हो आप? दिनांक 25 दिसंबर 2020 को ओंकारेश्वर में बड़वानी की बेटी गरिमा उर्फ प्रियंका चतुर्वेदी को एक योजना के तहत उनकी नृशंस हत्या कर दी गई और यह दिखाने का प्रयास किया गया कि यह हत्या नहीं है, उनकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई है। पहले उनकी हत्या की गई, फिर लाश को कार में रखा गया और कार को ओंकारेश्वर के पास ही नहर में बहा दिया गया ताकि यह दिखे कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक हुई है। जबकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और गले पर निशान है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि दुर्घटना के पहले गरिमा उर्फ प्रियंका चतुर्वेदी का कार के सीट बेल्ट से ही गला दबाकर हत्या कर दी गई, जिसके निशान जब उनकी लाश को बाहर निकाला गया स्पष्ट रूप से गले पर दिख रहे थे। क्या मांग करते हैं? हम यह मांग करते हैं, अभी तक जो भी कार्रवाई की गई है मांधाता थाने पर जो TI साहब हैं पाटीदार जी, उनकी कार्रवाई से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। इसी कारण से शायद कुछ चीज़ों को देखते हुए SDOP साहब को नियुक्त किया गया है, परंतु पाटीदार साहब उन चीज़ों को वहाँ पर रहकर प्रभावित कर सकते हैं। श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज SP साहब से यह अनुनय निवेदन करता है कि कार्रवाई उचित हो, निष्पक्ष हो, इसलिए TI साहब को वहाँ से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। का चतुर्वेदी को जो कि समाज की बेटी है, उनको श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई और सभी वरिष्ठ समाजजन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि जो अभी तक की कार्रवाई हुई है पुलिस के द्वारा, मांधाता थाने के द्वारा, उस कार्रवाई से श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज बड़वानी संतुष्ट नहीं है और सभी SP साहब खंडवा से यह अपील करते हैं कि जो मांधाता थाने के TI हैं श्री पाटीदार जी, तुरंत उनको लाइन अटैच किया जाए ताकि निष्पक्ष कार्रवाई हो सके। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो दिनांक 31 दिसंबर 2020 को पूरा बड़वानी जिला समाज यहाँ से बसों में खंडवा जाएगा तथा SP साहब के ऑफिस का घेराव करेगा और उनसे फिर से यह कार्रवाई करने की मांग करेगा कि TI मांधाता थाने के जो TI पाटीदार जी हैं उनको तुरंत लाइन अटैच किया जाए।